वहीं छत्तीसगढ़ में तैनात आईटीबीपी के एएसआई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनका आरोप है कि उन्हें उनके ही साथियों ने मुठभेड़ में मारने की साजिश रची। नारायणपुर के मुजमीटा कैंप में गोपाल सिंह पदस्थ हैं। अभी उनका इलाज कोंडागांव के जिला अस्पताल में हो रहा है। गोपाल सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने ही साथियों पर गंभीर आरोप लगाए। जंगल में पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें नक्सली मुठभेड़ में मारने का प्लान बनाया गया था। कैंप में झगड़े के बाद से ये प्लानिंग की गई। उन्हें ये भी डर है कि आगे भी उनके साथ ऐसा हो सकता है। सुनिए और क्या कुछ गोपाल सिंह ने कहा, उनके आप भी थी सुनिए। जब मैं ड्यूटी के दौरान झगड़ा हुआ, मैं फलवर्ती में था, मेरे को मतलब जो है बांध दिया गया और बांध मेरे हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, मेरा इनकाउंटर कर रहे थे ये लोग जो है, और इन्होंने ऐसे तैसे मेरी मतलब जो है जान बचाई नहीं, तो मैं हटवा, इन्होंने जान से मार दिया। मैं साहब इनके पाँव चाहिए, हाथ जोड़े थे, मेरे को मत मारो, और मुझे तब भी मार रहे थे। मैंने मतलब काफ़ी इनसे वो किया कि मुझे मतलब जान से मत मारो साहब, मेरे गोली मारने इसके बीच कोई फोन आया, फिर मेरे को इन्होंने गोली नहीं मारा, मेरा ये इनकाउंटर करते, इन्होंने दो स्कॉट लगा दिए थे, वो लोग अलग बैठा दिए, वहाँ से मेरे को जो उठा के बुलाया, बोला गोपाल इधर आ, बोला जो है, मैंने कहा बोला नहीं, बोले गोपाल साहब आप आइए इधर आइए, बोला जो है, मैं सर माँ चले गया तो माँ पहले से आदमी बैठे हुए थे, जैसे ही मैं माँ पहुँचा और उन्होंने मेरे को पकड़ा और पकड़ के सर मेरे मतलब मेरा हथियार छुड़ा लिया, मेरी अमरेशन छुड़ा लिया, मेरे पास बारलेस सेट था, मेरा बारलेस सेट भी छुड़ा लिया, और फिर मेरे को मतलब जो है रस्से से बांध दिया, फिर मेरे हाथ बांध दिए रूमान से। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता घनश्याम जुड़ चुके हैं। घनश्याम, ये एक बहुत गंभीर और बड़ा आरोप है। आईटीबीपी के एएसआई अपने ही साथियों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। जी जी जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिला अस्पताल में कोंडागांव में भर्ती है, जो छुट्टी लेके घर के जाने की तैयारी थे, तो इन्होंने जो हमको जानकारी मिली तो हमने इनसे जाके पूछताछ की, तब इन्होंने बताया कि मैं नारायणपुर आईटीबीपी कैंप का जवान हूँ और मेरे साथ मारपीट भी हुई है, मेरे साथियों के द्वारा मारपीट भी की गई है और लगातार दबाव भी बनाया जा रहा था, तो हमने ये भी पूछने की जानकारी की कि आखिर आपके ऊपर ही क्यों ऐसा मारपीट किया गया, तो उसने बताया कि कैंप के अंदर में अन्य साथियों के द्वारा किसी सिपाही को मारा जा रहा था, जवान को मारा जा रहा था, जिसको बचाने के लिए मेरे द्वारा गया, जाके उसको बचाया गया, तो उनकी शिकायत सीओ से, उनके कमांडर से की गई और उस शिकायत का बदला लेने के लिए इन्होंने जब बदला लेने के लिए जब ये बताया कि अभी कुछ कार्रवाई हुई है, किसी ने इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लिया है? जी जी, अभी तक तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं ली है और ना ही थाने के कोई अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और ना ही इन्होंने अभी तक किसी को बताया। ये पहला सबसे पहले मीडिया बंसल, हमारी बंसल न्यूज पे ही उम्मीद करते हैं कि अब जिस तरीके से हमने इस खबर को दिखाया, इसके बाद संज्ञान लिया जाता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।